पूछता है उत्तराखंड में एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। चर्चा हम कर रहे थे टैबलेट पर, क्योंकि छात्र छात्राओं को लेकर टैबलेट वितरण को लेकर जो सियासी माहौल है वो बना हुआ है, वो इसलिए क्योंकि कांग्रेस ये कह रही है कि घोषणा पत्र में बीजेपी ने तमाम वादे तमाम दावे किए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सिर्फ दावे और वादे कागजों पर है, जमीनी हकीकत क्या है वो उन्हें पता है। बीजेपी कहती है कि हम जो वादे कर रहे हैं, जो दावे कर रहे हैं, उन्हें पूरा भी कर रहे हैं। लगातार बीजेपी पुरजोर कोशिश कर रही है लोगों तक पहुंचने की, आम जनता तक पहुंचने की, छात्र छात्राओं तक पहुंचने की, लेकिन सवाल यह है कि आखिर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है, इसी पे हम चर्चा कर रहे थे। अब से कुछ ही देर बाद तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, उनका भी हम रुख करेंगे। फिलहाल आपको बता दूं कि बताया जा रहा है कि 2 लाख से ज्यादा छात्र छात्राओं को अब टैबलेट नहीं, सरकार टैबलेट की जगह 12,000 रुपए वितरित करेगी। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि ये बहुत बड़ा घोटाला है, क्योंकि सरकार इसे 16,000 इसका खर्च दिखा रही थी, जो कि मार्केट में ये टैबलेट 9,000 रुपए में उपलब्ध है। अगर तमाम खर्चे जोड़ के देखा जाए तो भी ये 12,000 होता है। अब सरकार ने इस पर ये फैसला दिया है कि अब हम टैबलेट नहीं, सीधा जो छात्र हैं उनके अकाउंट में पैसा भेजेंगे ताकि वो टैबलेट ले सकें और इसका इस्तेमाल कर सकें अपनी पढ़ाई को लेकर, तमाम चीज़ों को लेकर। तो इस पर आज हम चर्चा करेंगे, कुछ ही देर में मेहमान भी मेरे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल ये तमाम प्रतिक्रियाएं जो सामने आ रही हैं वो सुनना भी ज़रूरी है। एक बार फिर से मैं आपको वो प्रतिक्रियाएँ सुनवाने जा रही हूँ जो लगातार उठ रही है, जो सवाल उठ रहे हैं। देखिए, हमारी सरकार ने, माननीय युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने तय किया था कि हम छात्रों को, देश के भविष्य को टैबलेट्स देंगे, जिससे वो अपने काम को, इंटरनेट को आसानी से इस्तेमाल कर सके। लेकिन कांग्रेस ने उस पर सवाल खड़े किए और उनको लगता है कि ये तो अगर देखा जाए तो सस्ते में मिल सकता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये तय किया कि हम लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट देते हुए उनके अकाउंट्स में पैसे को डालेंगे। उत्तराखंड की प्रचंड बहुमत की नाकारा निठल्ली मक्कार 3 मुख्यमंत्रियों वाली सरकार और सबसे निठल्ले मुख्यमंत्री घोषणावीर भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज कह रहे हैं कि टैबलेट्स देने के बजाय डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए बच्चों के अकाउंट्स में पैसे भेजे जाएंगे। ये पैसा कहाँ से आएगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर ये टैबलेट आपने अपने घोषणा पत्र में कहे थे कि देंगे 10वीं और 12वीं के बच्चों को, तो अब तक क्यों नहीं दिए गए? 5 साल क्या पढ़ाई नहीं करी उन्होंने या सो रहे थे आप? देखिए, ये टैबलेट बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई के लिए दिए जाने थे। अब तो पढ़ाई ही खत्म होने वाली है इस साल की, और उसके ऊपर फिर इस पर भ्रष्टाचार का साया मंडराने लगा। उसके बाद अब सरकार कह रही है कि 12,000 रुपये बच्चों के अकाउंट में डाले जाएंगे। तो सरकार को ये देखना चाहिए कि इसको बल्क में ख़रीदारी करके हर एक बच्चे को पहुंचाते तो सरकार को भी फ़ायदा होता, बच्चों को भी फ़ायदा होता। अब बच्चों के अकाउंट में कब तक पैसा डाला जाएगा ये भी पता नहीं, फिर कितने बच्चे कहाँ से खरीदेंगे, पहाड़ों में टैबलेट कहाँ से आएंगे। तो एक पूरी व्यवस्था जो सरकार जो बोल रही है, सरकार ने वो किया नहीं। तो ये सरकार वो है जो कहती कुछ और है, करती कुछ और है। तो सरकार को चाहिए कि टैबलेट सस्ते दामों पर खरीदें, उसके अच्छे कोटेशन मंगाए जाएँ और उनको बच्चों को जल्दी से जल्दी दिए। तो ऑनलाइन पढ़ाई के लिए ये टैबलेट दिए जाने थे, कांग्रेस कहती है कि जब टैबलेट ऑनलाइन पढ़ाई के लिए दिए जाने थे तो पहले क्यों नहीं दिए गए, और अब इसकी जो राशि है वो क्यों अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की घोषणा की जा रही है। इसका मकसद ये है कि सिर्फ और सिर्फ अपनी नाकामी को छिपाना है, कांग्रेस लगातार ये कह रही है। लेकिन सवाल ये है कि टैबलेट की बात हो रही है, बिजली और यहाँ पर जो इंटरनेट सेवा है उसकी बात क्यों नहीं हो रही है? तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस प्रवक्ता अनिल भास्कर मेरे साथ बने हुए हैं और भी मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे यहाँ पर। और सबसे पहला सवाल, जैसा कि अनिल भास्कर जी पहले भी मेरे साथ बने हुए थे, अनिल जी सबसे पहले माफ़ी चाहूँगी, कुछ समस्या आ गई थी उसकी वजह से इस चर्चा को हमें थोड़ा सा विलम्ब हुआ इस चर्चा में। देखिए, मैं आपसे सवाल कर रही थी ये कि आप लोग सवाल तो उठा रहे हैं सरकार को लेकर, लेकिन आप भी तो मदद कर सकते थे छात्र छात्राओं की। इस कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाई में बच्चों का बहुत नुकसान हुआ है, बच्चे ठीक से नहीं पढ़ पा रहे थे, तो आप लोग मदद कर सकते थे, आगे आ सकते थे, और अगर की है तो बताइए। मैडम, इंफ्रास्ट्रक्चर उनके हाथ में है, सरकार के हाथ में है, और वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर उनको देने की बात थी वो तो सरकार ही दे सकती है। जिन हम लोगों ने जो जो मदद की होगी,
हम लोगों ने प्रचार इसलिए कम किया होगा क्योंकि हमारी एक सामर्थ्य है, हमारा एक दायरा है, हम व्यक्तिगत दायरे से जिसको जो मदद कर सकते थे कर सकते थे। लेकिन सरकार के पास जो असीमित साधन है, असीमित साधन होते हैं, उसके द्वारा तो सरकार ही कर सकती है। अब मान लिया हमने 10 लोगों किया, 100 लोगों को नहीं कर पाए तो 100 लोग तो नाराज होंगे ना। तो हम लोग जो प्रचार नहीं किए हैं वो हम, इसका मतलब ये कि हमने व्यक्तिगत रूप से जो मदद हो सकती की होगी। दूसरी बात ये है कि जो अभी आपने बात कही कि सरकार ने ये घोषणा की है कि अब आगे से जो पैसे अकाउंट में डाला जाएगा, तो इसका सीधी बात यह है कि इसका मतलब मुख्यमंत्री जी की नॉलेज में यह बात थी कि इसमें घोटाला हो रहा है, इसीलिए तत्काल उन्होंने नीति बदल दी। तो ये एक सोची समझी साजिश है। जिस प्रकार से मुद्रा लोन में, जिस प्रकार से स्किल इंडिया में घोटाला हुआ, उसी तरह का घोटाला ये है कि अब, लेकिन आगे साफ साफ बात यह है कि अगर 12,000 रुपए भी अकाउंट में डाले जाएंगे तो उसकी क्या गारंटी होगी कि उनके टैबलेट ही लिए जाएंगे और वो सही अकाउंट में जाएंगे? क्योंकि जिस प्रकार से मुद्रा लोन में पीछे से बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने लोन लिए और उनसे विड्रॉ कराए, गरीब आदमी से, आम आदमी से, लोगों से, और उसमें घोटाले की बातें जो बैंक वाले बोलते हैं, बताते हैं, उसमें बहुत बड़ा जांच होने की जरूरत है। तो आने वाले समय में इसमें टैबलेट का पैसा सही जगह जाएगा, क्या गारंटी होगी? ठीक है, पवन सिंह जी आवाज आ रही है मेरी? पवन जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी बोलिए। हां जी पवन जी, अनिल जी बहुत सारे सवाल कर रहे हैं आपसे। आपकी आवाज लक्ष्मी सिंह कर रही है। ठीक है, ये समस्या को हम जल्दी सुलझाएंगे। फिलहाल जो आपसे मैं पूछना चाह रही हूं वो ये है, सवाल मेरे नहीं है, सवाल है कांग्रेस के। कांग्रेस से कह रही है कि आप टैबलेट लेकर आ रहे थे लेकिन आपने टैबलेट छात्रों को नहीं दिए। अब आप ये कह रहे हैं कि 12,000 आप डायरेक्ट उन्हें बेनिफिट देंगे, कहां से देंगे? पहला सवाल कांग्रेस का ये है। दूसरा ये कि क्या उसका सही इस्तेमाल होगा? तीसरा ये कि क्या आपको पता है कि सही अकाउंट में वो पैसा जाएगा? क्योंकि वो सवाल कर रहे हैं कि इससे पहले भी ऐसी तमाम योजनाएं आई थी जिनका लाभ आम जनता को नहीं मिल पाया था, कुछ दूसरे लोगों ने ही लाभ ले लिया था। देखिए अनिल जी की जो, अनिल जी जब बोल रहे थे तो मुझे यहाँ स्पष्ट सुनाई नहीं दे रहा था। आपकी आवाज वाइब्रेट हो रही है, वो प्रश्न कर रही है, स्पष्ट प्रश्न को मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। सवाल है इसके ऊपर मैं बता देना चाहता हूँ, हम कोई भी अच्छा काम करें, भारतीय जनता पार्टी करते हैं, सवाल केवल इसलिए उठाए जाते हैं क्योंकि सवालों के अलावा इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। जहां तक बात टैबलेट की है, 10वीं से और 12वीं तक जो छात्र छात्राएं हैं इनको राज्य सरकार ने, भाजपा सरकार ने टैबलेट देने का निर्णय दिया है और आईबीए कैबिनेट में भी पास हो चुका है। जो हमारे उत्तराखंड में ये लाभान्वित होंगे, इसमें 1,60,000 के आसपास छात्राएं इसमें लाभान्वित होने जा रही हैं और डिग्री कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र भी जो लगभग 1,15,000 के आसपास है जो लाभान्वित होने जा रही है। टैबलेट मिलने से छात्र छात्राओं का जो पढ़ाई का स्तर है वो बढ़ेगा, उन्हें जानकारी मिलेगी। अब तो सेशन ही खत्म होने जा रहा है। हाँ दिक्कत, पवन जी सेशन ही खत्म होने जा रहा है। अगर हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं राज्य के विकास के लिए, छात्र छात्राओं के, हेलो पवन जी आपकी आवाज आ रही है मुझ तक? तो मैं समझता हूँ इसमें किसी को कोई आप होने की, हाँ सुझाव, सबसे पहले आपकी आवाज क्लियर नहीं हो पा रही है। चलिए ठीक है, इस समस्या का हल हम निकाल रहे हैं। रविंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आनंद साहब बोलिए। देखिए हमें आपत्ति है, इन्होंने कहा आपत्ति नहीं होनी चाहिए, मैं आपत्ति दर्ज कराता हूँ। आपत्ति इस बात पे है कि 5 साल से आपकी सरकार क्या सो रही थी, अब 2 महीने जब चुनाव को बचे हैं तब आपको 12,000 रुपए बांटने याद आ गए? क्या आप इसका चुनाव मेरा कहने का मतलब असर डालना चाहते हैं? सालों में भी हमने सुन लीजिए पूरा, मैं आपके समय पर बोला नहीं हूँ, आप डिबेट में आए, डिबेट का शिष्टाचार सीखिए, डिबेट का शिष्टाचार सीखिए, चुप रहिए, सुनिए जरा।
पांच साल आपने सिर्फ तीन मुख्यमंत्री बदलने का काम किया, पांच साल आपने तीन मुख्यमंत्री बदलने का काम किया, तब आपने क्यों नहीं छात्राओं की आपको क्यों याद नहीं आई? अब जब चुनाव सर पे आ गया तो आपको छात्राओं की याद आ गई, छात्रों की याद आ गई, वाह, पहली बात। दूसरी बात, इससे पहले भी आपके विधायक मंत्रियों ने छात्रवृत्ति घोटाले किए हैं, उसका जवाब दीजिए। आपके मुख्यमंत्री ने रहते हुए पिछली बार जब निशंक जी थे 2010-11 की बात कर रहा हूं मैं, तो उन्होंने कहा था कि 6 जिले बनाऊंगा, कहां है वो 6 जिले? पिछले 5 साल में आपने सिर्फ घोषणा की है और मुख्यमंत्री बदलने का काम किया है। आप ये बताएं कि आप मुझे सिर्फ 5 काम ऐसे गिनवा दें जिससे सीधा जनता को प्रभाव पड़ता हो, जनता लाभान्वित होती हो, मैं आपको धन्यवाद कहूंगा, मैं आपके मुख्यमंत्रियों को धन्यवाद कहूंगा। आपके पास 5 ऐसे काम गिनवाने के लिए स्टेट के हैं कि आप स्टेट के ऐसे 5 काम भी गिनवा दें जिससे आम जनता लाभान्वित होती हो, और आप चले हैं लैपटॉप बांटने और 12-12 हजार रुपए अकाउंट में डालने, ये सब चुनावी बातें हैं। दूसरी बात, अभी आपने जो अनुपूरक बजट पेश किया सत्र में, उसमें 396 करोड़ रुपए आपने सूचना विभाग को दिए सिर्फ विज्ञापन के लिए, ये पैसा किसका है? ये पैसा आपका है या बीजेपी का है? ये पैसा किसका है? ये पैसा जनता का है, ये पैसा जनता के लिए लगना चाहिए था। 396 करोड़ रुपया, इसमें आप कितनी डगार मारेंगे? आनंद साहब, विज्ञापन छापने में तो आम आदमी पार्टी भी कमी नहीं करती मैडम, वो जनता का पैसा नहीं है, वो हमारा अपना पैसा है, जेब का अपना अपना पैसा, हमारे अपने प्रत्याशी अपने अपने पैसा खर्च कर रहे हैं, हमारे प्रत्याशी। अच्छा, तभी वो जनता के पैसे से गुलचर्रे उड़ा रहे हैं, ठीक है, वो दिल्ली सरकार 396 करोड़, वो नहीं नहीं रविंद्र भाई, वो दिल्ली सरकार से जो इकट्ठा पैसा किया गया अभियान इस्तेमाल कर रहे हैं रविंद्र जी, वो दिल्ली सरकार से पैसा इकट्ठा किया गया जिसका आप उत्तराखंड में मिसयूज कर रहे हैं, इस बात पे आप भी ध्यान दें। पैसा हम अपनी जेब से लगा रहे हैं, पैसा हम प्रत्याशी अपनी जेब से लगा रहे हैं, जो विधानसभा में चुनाव लड़ना चाहता है उसे पैसा लगाना पड़ेगा, उसे कोई पार्टी पैसा नहीं देती है, लेकिन हाँ जिसकी सरकार है वो जरूर पैसा खर्च कर सकता है। 396 करोड़ रुपया अभी इन्होंने अनुपूरक बजट में विज्ञापनों के लिए दिया है, क्या 2 महीने में 396 करोड़ रुपया खर्च कर पाएंगे? नहीं रविंदर जी, इस्तेमाल करेंगे। पवन साहब, सवाल है, जवाब दीजिए, अभी बैठने का टाइम नहीं है, शांति से जवाब देने का टाइम है। ये गूंगी बहरी सरकार है, अभी सुनाई नहीं देगा मैम। हेलो पवन साहब, आवाज आ रही है क्या मेरी? अभी मैं आप भाई साहब बोलिए, हम सुन रहे हैं, उधर से आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ। पवन साहब, अगर मेरी आवाज आ रही है तो विपक्ष आपसे पूछ रहा है कि आपने क्या किया है 5 सालों में? 5 काम गिनवा दीजिए पवन जी, इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। चलिए ठीक है, हम रुक करेंगे अनिल भास्कर साहब का, क्योंकि वो शुरुआत से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल जी, अभी आप कुछ कह रहे थे आनंद साहब से कि दिल्ली सरकार का पैसा था जिसका मिसयूज हो रहा है उत्तराखंड में। मैं वही कह रहा था अभी रविंदर जी से, मैं रविंदर जी को ये कहना चाहता हूँ कि जो टीवी पर विज्ञापन चल रहे हैं, जो बड़े बड़े होर्डिंग पूरे प्रदेश में लगे हुए हैं, क्या वो आपके प्रत्याशियों के दिए हुए पैसे हैं? इसका वो आंकड़ा दे सकते हैं, इसका डाटा दे सकते हैं, इसकी एक जानकारी लोगों को दे सकते हैं? ठीक है, स्थानीय स्तर पर सब लोग अपना अपना खर्चा करते हैं, लेकिन जो प्रदेश स्तर पर बड़ी पब्लिसिटी हो रही है, राष्ट्रीय चैनलों पर विज्ञापन उत्तराखंड को लेकर के आ रहे हैं, क्षेत्रीय चैनलों पर आ रहे हैं, पॉल्यूशन के मामले में तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई आम आदमी पार्टी को विज्ञापन को लेकर, लगाई है बिल्कुल। और दूसरी बात मैडम, ये कहना चाहता हूँ, अभी थोड़ी देर पहले आपने 10 साल पहले का जिक्र किया था कि 10 साल पहले कांग्रेस ने क्यों नहीं इंटरनेट दिया। 10 साल पहले नहीं कहा, मैंने कहा कि 10 साल आपकी भी सरकार रही है, आपने क्यों दुरुस्तीकरण नहीं किया? मैं वही वाली बात कहना चाह रहा हूँ कि 10 साल पहले की जब आप बात कर रही हैं, उस समय इंटरनेट का बूम उस तरह से नहीं था जो आज बिल्कुल सही, मैं वाकिफ इस चीज से बिल्कुल। हाँ, और दूसरी बात ये, आज आप देखिए, आज जो हमारी कनेक्टिविटी में भी समस्याएं आ रही है, कहीं ना कहीं ये टेक्निकली जो फॉल्ट है वो आज की सरकार की देन है।
वो जो हमें सही तरीके से कनेक्टिविटी नहीं दे पा रही है, सही तरह से हमें उस तरह की तरंगे जो हमें पा रहे हमारे पास आनी चाहिए वो हमें उपलब्ध नहीं करा पा रही है। मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था कि जो घोटाले की बात है उस घोटाले पे अब दोबारा से आए तो ये स्थिति है कि जो मुद्रा लोन था या जो हमारा खनन घोटाला चल रहा है, जो सरकार वर्तमान में है, जिस प्रकार के खनन की नीति, जिस प्रकार से अभी कुछ दिन पहले स्किल इंडिया की घोटाला, वर्तमान में टैबलेट घोटाला और ये सब अभी केदारनाथ घोटाला जिसपे कल भी आपने कार्यक्रम किया था। ठीक है, मैं आप सभी लोगों से अलग एक बात आप लोग सभी से पूछना चाहती हूँ कि जब चुनाव नजदीक आते हैं तभी सारे घोटाले उजागर क्यों होते हैं, तभी सारे मुद्दे क्यों सामने आते हैं, क्या उससे पहले विपक्ष भी सोया रहता है? इसमें एक बात और मुद्दा भी कौन सा, जो छात्र छात्राओं से जुड़ा है, उनके भविष्य से जुड़ा है, वैसे ही दो साल से ठीक तरीके से पढ़ाई नहीं हो पा रही है कोरोना की वजह से। मैं एक बात कहना चाहता हूँ इस पर, सबसे पहली बात तो जो आपने कहा विपक्ष आरोप लगा रहा है, केदारनाथ घोटाले में खुद सरकार के मंत्री ने आरोप लगाया है। ठीक है, ठीक है, पहली बात तो ये है, इसका मतलब उनके पास पूरी फाइल है और उसमें घोटाला है जो भी है वो जनता के सामने रखे और उसमें जिस प्रकार से कर्नल कोठियाल जी को उन्होंने आरोपी बनाया है तो वो सामने लाना चाहिए। दूसरी बात टैबलेट घोटाला, ठीक है, टैबलेट की घोषणा पिछले एक साल पहले हुई थी और निश्चित रूप से उसमें जैसे अब कोरोना काल निपटा है और उसकी जानकारी ली गई होगी उसके हिसाब से तुरंत तत्काल वो उसको सामने रखा गया, वो विपक्ष का अपना रोल निभाते हुए कांग्रेस ने सामने तुरंत तत्काल रखा, खाली चुनाव की वजह से नहीं क्योंकि उसका पीरियड एक कम था और उसको तत्काल उसी समय के सामने आपके समय पे सामने रखा और सरकार उस चीज को जानती होगी इसीलिए तत्काल उसने नीति भी बदल दी, तो इसका मतलब उनकी जानकारी में पहले से थी। नहीं, तीन मुख्यमंत्री बदले गए हैं तो काम कैसे होगा फिर, सवाल तो ये भी है ना, सत्ता पक्ष में है इसका मतलब ये नहीं कि सत्ता पक्ष से सवाल नहीं होंगे। पवन जी तक तो शायद आवाज ही नहीं पहुंच पा रही है, इनकी खुद की कनेक्टिविटी इतनी ज्यादा खराब है तो ये छात्रों को क्या टैबलेट और छात्रों को क्या इंटरनेट सेवा देंगे। पवन जी अब आवाज आ रही है कि नहीं? जीता जागता सबूत है ये। चलिए, पवन जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, बार बार संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। ये है उत्तराखंड में विकास का हाल, जहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है। ये है उत्तराखंड जो विकसित हो रहा है, जो विकास की गति में आगे बढ़ रहा है तेजी के साथ, ये उत्तराखंड है। पवन जी अब आ रही है कि मेरी आवाज? हेलो हेलो पवन जी, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो। पवन जी तक आवाज नहीं जा रही है, तब तक मैं एक बात कहना चाहता। ठीक है, बोलिए भास्कर साहब। मैं ये कहना चाहता हूँ, हाँ आ गई पवन जी की आवाज आई है, पवन जी बोलिए। ये है इंटरनेट सेवा आपकी, कनेक्टिविटी यही नहीं हो पा रही है, पूरे उत्तराखंड में कहाँ होगी, कैसे पढ़ेंगे बच्चे? ऐसे टैबलेट आप दे दीजिएगा, 12,000 रुपए डाल दीजिएगा अकाउंट में। देखिए मेरी आवाज उधर आ पा रही क्या? आ रही आ रही, आप बोलिए। हेलो बोलिए, मैं सुन पा रही हूँ आपको। आप उधर से आवाज नहीं कुछ आ पा रही, आप बोलते रहिए बोलते रहिए आप। ठीक है ठीक है ठीक है, अनिल साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था जो अभी जो शिक्षक है जो वो अपनी मांग रखते हैं, टीचर्स हैं, कि यहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं थी, उनके बच्चों के पास सुविधाएं नहीं थी, हमारे हमको सुविधा सरकार ने नहीं दी, उनको पैसे भी अपनी जेब से पैसे खर्च करके बच्चों को पढ़ाने के लिए इंटरनेट का कनेक्शन और उसकी डाटा लेना पड़ा और उसकी स्थिति ये बनी कि जब मान लिया उनसे मांग की गई तो सरकार ने कहा कि शिक्षक जो है कामचोर है, काम नहीं करना चाहते और सरकार पे आरोप लगा रहे हैं। आप लोगों ने सबने हमने सबने देखा, जगह जगह सोशल मीडिया के द्वारा देखा, आप लोगों के द्वारा देखा कि बहुत सारी टीचर्स ऐसी थी जिन्होंने खेतों में जाकर के पेड़ों पे चढ़ करके कनेक्टिविटी लेकर के बच्चों को तस्वीरें आई थी, वो सबके सामने है, लोगों ने काम किया, लेकिन सरकार कितनी संवेदनशील रही। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि घोषणा पत्र की बात करिए जरा अनिल जी, बहुत दूसरों के घोषणा पत्र की बात कर रहे हैं, अपने घोषणा पत्र की बता दीजिए, क्या करने वाले हैं आप अगर सत्ता में आते हैं तो, या सत्ता की लालसा है? पत्र
घोषणा पत्र आपके सामने जारी, मैं आपको एक चीज यहाँ बता देना चाहता हूँ, आपने घोषणा पत्र की बात की, जल्दी जारी हो जाएगा, उस पर काम चल रहा है मैनिफेस्टो कमेटी के द्वारा। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जैसे ही उत्तराखंड बना था, घोषणा पत्र की आपकी बात बता देता हूँ, जब 2002 में सरकार बनी थी, किसी हमारी पार्टी ने यह घोषणा नहीं की थी कि सिडकुल लगाए जाएंगे, इतने लोगों को यहाँ रोजगार मिलेगा, इतने लोगों की व्यवस्थाएं होंगी। लेकिन जब सरकार बनी तो पूरे प्रदेश के अंदर, हेलो, आवाज आ रही पूरे है, प्रदेश के अंदर आपको याद होगा कि सिडकुल लगाए गए जिनमें आज रोजगार मिल रहे हैं। तो वो हमें जरूरत नहीं होगी, हम बहुत सारी घोषणाएं करें, हम लोग काम करने वाली पार्टी से आते हैं, और हमारे यहाँ से जो वो छोटा कार्यकर्ता भी अगर विधायक बनता है या सत्ता का भागीदारी बनता है या चाहे वो पार्षद बनता है, वो काम करने का मादा रखता है, वो हमारे यहाँ काम करने का सिस्टम है, वो उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। इतना काम किया आप लोगों ने कि 2017 में आपका सुपड़ा साफ कर दिया, इतना काम किया, चुनावी राजनीति और कुछ नहीं किया, ऐसी कौन सी, ऐसा कौन सा काम कर दिया था भाई दैनिक शराब 2017 में? दैनिक शराब है आपको, आप दैनिक शराब को लेके बैठे हुए हैं, वर्तमान में खनन नीति को देख लीजिए, हम लोगों ने जो काम किया उसमें कम से कम खनन भी आपने बहुत करा, वर्तमान की बात आप कर रहे हैं तो आप ही बता दीजिए ना कि क्या आप 2022 का आपका विजन क्या है, क्यों आम जनता आपको वोट दे, क्यों? हमने बताया ना जो अभी मैनिफेस्टो कमेटी का काम चल रहा है, और जैसे ही सामने आएगा उसके बाद जनता अपने आप तय करेगी, कब आएगा, चुनाव के बाद? अरे मैडम चुनाव तो जारी होने दीजिए, अभी एक मिनट अनिल जी, हम ना एक खास प्रोग्राम चलाते हैं, मेरा गांव मेरा देश उत्तराखंड का स्पेशल एडिशन है, वहाँ की कुछ तस्वीरें जो है ना वो देख कर ना दिल सिहर उठता है, इसलिए क्योंकि कुछ अभी कल ही तस्वीर आई थी, कुछ जो नौजवान है उनका जज्बा आप देखिए, मोटरसाइकिल को कंधे पर रखा है, इसलिए नहीं कि पेट्रोल खत्म हो गया था, इसलिए कि उनके गांव तक सड़क भी नहीं पहुंची अब तक। अब ये तो नहीं है कि इन 5 सालों में ही ये हुआ होगा, उससे पहले भी तमाम वादे और दावे किए गए होंगे, उससे पहले भी सड़कें नहीं थी। हेलो, 5 किलोमीटर तक मोटरसाइकिल को कंधे पर रखकर रस्सी से बांध के और संकीर्ण सड़कों पर चलना, पहाड़ियों पर जाना, हम और आप तो शायद कर भी सकते हैं, आप उत्तराखंड से ही हैं, लेकिन मैं तो शायद या सोच भी नहीं सकती। आपकी पूरी बात मैं सुन नहीं पाया, बीच में कट गया था, लेकिन फिर भी अपने हिसाब से मैं आपको जवाब देने का प्रयास करता हूँ। जल्दी जवाब दीजिए, शायद पवन जी तक मेरी आवाज पहुंच रही है, उनके पास जाऊंगी फिर मैं। ठीक है, मैं जवाब देने का काम करता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, 2007 तक जितने काम प्रदेश के अंदर हुए वो आज तक लोग याद करते हैं, 2007 से 12 तक जितने काम पटरी से उतारने का काम हुआ, फिर दोबारा से उनको लाने का काम जो 2013 में शुरू हुआ था 12 में, वो उसके बाद स्थिति ये बनी जिस प्रकार से मोदी सरकार ने इस प्रदेश को अस्थिर करने का काम किया, जो काम निरंतर चल रहे थे। और मैं चाहता हूं कि जैसे अभी आपने कहा कि मेरा गांव मेरा देश, आप बिल्कुल उस पर कार्यक्रम कीजिए, 1 घंटे का नहीं 2 घंटे का कीजिए, लेकिन समय दीजिए बताने का, तो फिर हम उसमें डिटेल से आपको बताने का काम करेंगे। ठीक है, कि हमने क्या काम किया, कैसे किया, ठीक है, तो फिर ये बात सही है, फिर सोमवार को आप जुड़िएगा मेरा गांव मेरा देश के स्पेशल एडिशन में, फिर मैं आपसे पूछूंगी कि आपने कितना काम किया और कितना नहीं किया। चलिए ठीक है, आपके पास लौटूंगी। पवन जी, मेरी आवाज आ रही है क्या? आप पवन जी, आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ पा रही है। उत्तराखंड में दे रहे हैं, पूरे उत्तराखंड में कैसे पहुंचाएंगे? टैबलेट आप दीजिएगा, टैबलेट यूज कैसे करेंगे, वो तो यूजलेस हो गया फिर जब इंटरनेट नहीं होगा, उसमें कैसे पढ़ाई करेंगे बच्चे, पेड़ों पर चढ़कर या पहाड़ियों पर चढ़कर जैसे कोरोना काल में किया था? देखिए, इंटरनेट के मामले में तो पूरी दुनिया जानती है कि हमारी सरकार कितनी अग्रणी रही है, ये कभी कभी और नहीं वो देख रहे हैं, लेकिन जो है मौसम और ये यहाँ की व्यवस्थाओं के अनुरूप भी कभी कभी हो जाता है, हम सही तरीके से जुड़ नहीं पा रहे हैं या सही तरीके से उसको क्लिक नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इस क्षेत्र में तो हमने ऐतिहासिक जो है अग्रणी की भूमिका निभाई। पवन जी, एक सवाल अभी अनिल जी ने किया था कि उन्होंने कहा कि जब ये जो डायरेक्ट बेनिफिट्स ट्रांसफर की बात हो रही है कि अब छात्र छात्राओं को भेजा जाएगा, इसका मतलब कि यहाँ पर सरकार जानती थी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है इसमें, इसलिए तुरंत इसे लागू कर दिया, क्या ये सही है?
जो भी हमारे विपक्ष में है, पार्टियां जो भी विपक्ष में है, हम कोई अच्छा काम करने चलते हैं तो ये एकदम विरोध पे आ जाते हैं। मेरा मानना यह है कि कोई भी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी यदि अच्छा काम करती है तो उसे अच्छा कहा जाए, और यदि कोई काम गलत हो जाता है तो तब उस पर उंगली उठाई जाए। तो वो तो उठाई जाए, आप भी अगर सत्ता में विपक्ष होता तो आप नहीं, आप विपक्ष में होते तो क्या आप सवाल नहीं करते? आप अगर विपक्ष में होते तो आप सवाल नहीं करते? एक बात अलग हुआ, सुनिए, सवाल करना एक अलग चीज है, लेकिन अगर हम लैपटॉप हम छात्र छात्राओं को दे रहे हैं तो इसमें गलत चीज है। जब सेशन खत्म हो गया, जब सेशन खत्म हो गया तो इसका मतलब छात्रों का विकास होगा, विकास होगा, उनका पढ़ाई अच्छी होगी, तो इसमें दिक्कत क्या है? जब सेशन खत्म हो गया तब आपको ये याद आ रहा है, हमारे यहाँ निशुल्क, हमारी सरकार ने जो ऐतिहासिक एक निर्णय लिया है, निशुल्क 10वीं और 12वीं छात्र छात्रा तक 1,60,000 टैबलेट हम देने जा रहे हैं। इसमें डिग्री कॉलेज के जो बच्चे हैं उनको भी प्रोत्साहित किया जाएगा, और वो जो है लगभग 1,15,000 के आसपास लाभान्वित छात्र उसमें होंगे, जिनकी पढ़ाई अच्छी तरीके से होगी और वो कनेक्ट। पवन जी, इंटरनेट तो ढंग से चल नहीं पा रहा है, पढ़ाई कैसे कर लेंगे छात्र छात्राएं, पढ़ाई कैसे करेंगी? ये देखिए कनेक्टिविटी, वो आपका दोस्त बता रहे हैं उल्टा कि आप ठीक से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, जबकि सिग्नल उनके यहाँ नहीं आ रहे हैं। ये सच है, ये तस्वीरें दिखा रही हैं, और ये जो कनेक्टिविटी है बता रही है कि किस तरह से उत्तराखंड में इंटरनेट सेवा जो है वो दी जा रही है। और सिर्फ इस चर्चा में नहीं, इससे पहले भी ऐसी बहुत सारी तस्वीरें हमने देखी है, चाहे वो लॉकडाउन की क्यों ना, बच्चे इधर उधर भाग रहे थे ताकि उनका जो इंटरनेट है वो चल सके, उनके पास जो पढ़ाई सारी ऑनलाइन जो हो रही है उसका वो लाभ उठा सकें, ऐसी तमाम तस्वीरें हमने देखी। लेकिन शायद सरकार ये मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सरकार का सीधे तौर पर ये कहना है कि जब जब वो कुछ अच्छा काम करती है तो विपक्ष इस पे कहीं ना कहीं सवाल उठाता है, क्योंकि काम है विपक्ष का सवाल उठाना। लेकिन विपक्ष से भी ये सवाल है कि अगर आप इतना ज़्यादा आम जनता के लिए सोचते हैं तो आपको क्या सत्ता की लालसा है, या क्या आप अपने आप से आगे बढ़कर सेवा नहीं कर सकते? अनिल जी, मैडम आपसे कहा ना, एक दायरा होता है जब आप व्यक्तिगत रूप से करते हैं, या तो बहुत ही ऐसा इसके लिए पैसा खर्च होता है, और हर आदमी का एक सीमित दायरा होता है, उसके पास एक सीमित संसाधन होते हैं, और ये जो एक परसेप्शन बना दिया गया है मार्केट में कि जो लोगों के बीच में समाज में कि नेता होगा तो पैसे वाला ही होगा, उसके पास ब्लैक मनी होगी, ऐसा जो आरएसएस ने एक सामाजिक सिस्टम बना दिया है, सोच बना दी है, हमें उससे बाहर निकलने की जरूरत है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खाली जेब भी लोगों की सेवा करने का काम करते हैं। लेकिन ये सब जो आप सुविधाओं की बात कर रही हैं, इन सब चीजों के लिए पैसा लगता है, इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, और ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार के हाथ में है, और सब सरकार के हाथ में तो उसको सोचना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा। से पहले क्या कांग्रेस के पास कुछ नहीं था? मैडम मैं एक मिनट आपकी बात कह दूं, अभी कोरोना की बात आप कर रही है उसकी बात कर रहा हूं। अगर हम लोगों ने झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों का, या किसी गरीब आदमी का, या किसी ऐसे किराएदार का जिसकी नौकरी चली गई और उसके पास खाने के लिए नहीं है, अगर उसकी लिस्ट हमने एसडीएम को या सिटी मजिस्ट्रेट को दी है ना, तो बीजेपी के लोगों ने, बीजेपी के विधायकों ने, बीजेपी के मंत्रियों ने उन लिस्टों को गायब करवा दिया कि इनके द्वारा आई है। अच्छा, हम लोगों ने बहुत लोगों को व्यक्तिगत खाना दिया है, व्यक्तिगत उनको सामान दिया है, व्यक्तिगत मदद की है, जिस प्रकार से बहुत सारे इंडस्ट्रीज लोग थे हमारे जान पहचान के, उनके माध्यम से जो दे सकते थे वो हमने दिया, हमने प्रचार नहीं किया, वो इसलिए नहीं किया कि हमारे संसाधन सीमित थे। घबराने की जरूरत नहीं है, आप लोगों ने इतना काम कर लिया इस 5 सालों में, तो फिर 2022 के लिए आपको तो कुछ करने की जरूरत नहीं है ना। आम जनता अगर आपसे खुश है तो आप शांति से बैठिए आराम से। नहीं, क्यों, ये सब चीजें सिर्फ वोट के लिए नहीं होती, ये अंदर एक जिसे कहते हैं एक राजनीतिक एक सोच होती है, और जिससे समाज में रहना होता है उसके एक काम करने का मन करता है कि हाँ मैं लोगों के साथ खड़ा हूं। आप सच बोल रहे हैं कि ये सिर्फ वोट के लिए नहीं है, ये वोट के लिए बिल्कुल नहीं है। आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, वो सीधा सीधा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि हर क्षेत्र के अंदर, शहर के अंदर 200 से 300 कम से कम सक्रिय कार्यकर्ता हर पार्टी के मिलते हैं, उन सबको टिकट नहीं मिलता है, उनमें से लोगों का जुनून होता है कि हमें लोगों के लिए काम करना है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि कांग्रेस इस तरह से काम करिए, बहुत अच्छी बात है, और ऐसे में अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आपने इतना काम किया है तो फिर 2022 नजदीक है, देखना होगा कि आपका काम का श्रेय कितना वो आप लोगों को देते हैं। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।
तो बच्चों को टैबलेट्स देने की बात यहां हो रही थी, लेकिन कांग्रेस ने सवाल किया तो अब सरकार कह रही है कि टैबलेट्स की जगह हम 12,000 रुपए जो है उनके अकाउंट्स में सीधे ट्रांसफर करेंगे ताकि वो इसका लाभ ले सके। लेकिन इससे भी विपक्ष को परेशानी है। सत्ता पक्ष कह रहा है कि हम जब भी कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं तो विपक्ष ऐसे ही सवाल करता है। लेकिन सवाल आम जनता का है, उन छात्रों के भविष्य का है जो इतने सालों से इंतजार कर रहे थे। अब सेशन खत्म होने वाला है, अब उनके अकाउंट में 12,000 रुपए डालने की बात की जा रही है, वो कब तक जाएंगे ये देखना होगा, इसका लाभ छात्रों को कब तक मिलेगा ये भी हमें देखना होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।